जनार्दन को धन का लालच नहीं, लेकिन वो गोल्डन स्टैचू मुझे चाहिए। इस बार तो वो गोल्डन स्टैचू मेरे हाथ नहीं लग पाया, लेकिन हर बार नहीं बच पाएगा। आ गए तुम लोग? ये जो बड़ा पत्थर है इसको तोड़ डालो। अंदर जाने का बस यही एक रास्ता है। लगता है ये बहुत मजबूत है, ये तो टूटने से रहा। तो अब क्या किया जाए? बॉस, वो होल देखो। उस होल से अगर कोई अंदर चला जाए तो अंदर से लीवर गिरा के पत्थर हटा सकता है। वाह, क्या नजर पाई है। पर उतने छोटे होल से कोई बड़ा नहीं, बच्चा ही जा सकता है। चलो हम लोग चलकर किसी बच्चे को ढूंढ कर लाते हैं। बच्चा नहीं कहना। शिवा, शिवा नाम है मेरा। एक बच्चे से पिट गए। खैर, हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अकल से काम लेना होगा। वो देखो, दो बच्चे आ रहे हैं। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो खुशी खुशी मेरे साथ चलेंगे। रुको रुको बच्चे। यस अंकल, बोलिए। बच्चों, हम लोग जंगल बॉय नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। उसके लिए हमें मेन लीड के लिए कुछ बच्चों का ऑडिशन लेना है। क्या तुम लोग बता सकते हो किसी ऐसे बच्चे के बारे में जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो? अंकल, तो आपकी तलाश खत्म हुई? आई एम अ परफेक्ट एक्टर। गांव में मैं ऐसी एक्टिंग करता था। लोग कहते थे मैं बड़ा होकर एक महान एक्टर बनूंगा। ऐसी बात है तो कुछ एक्ट करके दिखाओ। ओ अंकल, आई एम रेडी। ये कैसी एक्टिंग थी बच्चे? चेंज ऑफ इमोशन अंकल। इमोशंस ना हो तो एक्टिंग का मजा कहाँ? देखा आपने मैं कैसे हर पल पे इमोशन चेंज कर सकता हूँ। हंसते हंसते रोता हूँ, रोते रोते चीखता हूँ। बोलिए, हूँ ना परफेक्ट एक्टर? वाह वाह बच्चे, तुम मेरे काम के हो। चलो जल्दी से, ऑडिशन का टाइम हो रहा है। तुम जंगल बॉय हो और एक शहर का लड़का तुम्हारा दोस्त है। चाहो तो इस लड़के को भी ले चलो, इसका भी ऑडिशन हो जाएगा। थैंक यू सर। देखो बच्चों, यहाँ पर सब जगह कैमरा लगे हुए हैं। आदि, तुमको केव के उस होल से अंदर जाना है और अंदर जाकर पत्थर हटाने का एक लीवर होगा। उस लीवर को डाउन करके केव का बड़ा पत्थर हटाना है और बाहर आकर एक बिग स्माइल के साथ हेलो बोलना है। अपनी बेस्ट स्माइल देना। स्माइल का भी ऑडिशन होना है। चलो एक बार स्माइल करके दिखाओ। बढ़िया, आगे जाओ। और सुनो, अंदर हर तरफ कैमरा लगे हैं। एक्टिंग अच्छी करना। यस अंकल, समझ गया। ये तो बहुत सिंपल है। हेलो,
वहाँ जंगली लोग भी होंगे, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। उनसे बच के रहना, तुम्हें वो पकड़ने ना पाए। अगर पकड़ लिया तो तुम ऑडिशन में फेल हो जाओगे। ओके ओके सर। अंकल हेलो हेलो। अंकल ने कहा था अंदर एक लीवर होगा, पर मुझे तो कोई लीवर नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है हम दोनों गुम हो गए। अब बाहर कैसे जाएंगे? आदि, वो अंकल को फोन लगा कर पूछ कि वो लीवर कहाँ है। शिवा को फोन करो ना। हेलो शिवा, जल्दी आ जाओ, मैं और यूरी फंस गए हैं। क्या एक्टिंग ऑडिशन? ओके ओके, डोंट वरी, मैं आता हूँ। रेवा, आदि यूरी जंगल में कहीं फंस गए हैं। इन लोगों को देखकर लगता नहीं कि ये लोग शूटिंग के पर्पस से आए हैं, असल बात कुछ और ही है। शिवा, लेट्स वेट एंड वॉच। जनार्दन को धन का लालच नहीं, लेकिन वो गोल्डन स्टैचू मुझे चाहिए। सुनो तुम सब, जैसे ही वो बच्चा अंदर से केव का पत्थर हटाएगा, सब अपनी गन लेकर अंदर घुस जाना। रास्ते में जो भी आदिवासी आए, उसे अपने रास्ते से हटा देना। जनार्दन को धन का लालच नहीं, लेकिन वो गोल्डन स्टैचू मुझे चाहिए। ओहो, तो ये है पूरी फिल्म। रेवा, इन लोगों ने आदि को एक्टिंग का लालच देकर बेवकूफ बनाया है। फोन लगाता हूँ। तुम लोग कहाँ पर हो? शिवा, तुम लोग आ गए? अब तुम कहाँ हो? अभी हम लोग एक बड़े से गोल रॉक पर बैठे हैं। कहीं से स्पाइडर निकल रहा है, तो कहीं से लीजर्ड आ रही है। जल्दी आ जाओ, हम लोग खो गए हैं। शिवा, वो रहे आदि यूडी। आदि, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये सारा तमाशा क्या है? शिवा, डायरेक्टर अंकल ने मुझे जंगल बॉय फिल्म के लीड रोल के लिए चुना है। यूडी को शहर से आए मेरे दोस्त के रोल में सिलेक्ट किया है। तुम दोनों को भी मैं कोई रोल दिला ही दूंगा। अभी जल्दी चलो, लीवर डाउन करके पत्थर हटाना है। आदि, वो लोग दिमाग तो ठीक है ना, कि अपने गांव में छोड़ आए हो। यहाँ शिवा फाइट में लगा है और तुम्हें अपने स्माइल की पड़ी हुई है। आदि,
बाहर कोई डायरेक्टर तुम्हारा वेट नहीं कर रहा है और ना ही ये कोई फिल्म का सेट है। कोई गोल्डन स्टैच्यू है जिसको वो लोग पाना चाहते हैं। तुम तो सिर्फ एक जरिया हो। क्या उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया? चलो पहले लड्डू सिंह जी को सब बताकर यहाँ बुला लेते हैं। हेलो लड्डू सिंह जी, हमें आपकी जरूरत है। आय 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 आय, क्या कहा? शिवा, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? यस लड्डू सिंह जी, हम सब जंगल में एक केव के अंदर फंस गए हैं, कुछ करिए। शिवा, मैं अभी आता हूँ, अभी। आप आसमान से आइए ताकि किसी को भी पता ना चले। अच्छा डोंट वरी, मैं आसमान से आऊंगा, उन गुंडों को पता भी नहीं चलेगा। ओके बाय। शिवा वो देखो वहाँ। बर्फ उधर फेंको, बर्फ फरकारो। नाराम, इनको बता दो मैं डेली नहाता हूँ, पानी गरम करने की जरूरत नहीं है। सर, ये नहाने के लिए नहीं, हमको पकाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? शिवा कहाँ हो? मैं उनका ध्यान बटाता हूँ, तुम लोग लड्डू सिंह जी को छुड़ा लो। ओके शिवा। हे, पकड़ो मुझे। पर फरकारो। शिवा कहाँ है? शिवा, कारफुग लारफोर आर आप कारफी सरफोने कारफी मारफूती चार फुराना चराते हैं, हम फार को उन फार को पफार करना हरफो गारफा। ये बोल रहा है कि कुछ लोग हमारे सोने की मूर्ति चुराना चाहते हैं, उन्हें पकड़ना होगा। आपको हिंदी आती है? आती है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। चलो उनको पकड़ते हैं। मेरे पास एक प्लान है और इसमें आदि को एक्टिंग का पूरा चांस दिया जाएगा। हेलो, सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। कुछ जंगली लोग एक बहुत सुंदर सोने की मूर्ति लेकर एक केव में जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे छुप के गया और देखा, वो लोग मुझे देख भी नहीं पाए। हेलो, कैसी लगी मेरी एक्टिंग अंकल? ओह, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से चलो, कहाँ है वो मूर्ति? अब कैमरा वहीं लगेगा। यू आर फाइनल फॉर द रोल। थैंक यू अंकल, प्लीज फॉलो मी। शूटिंग यही खत्म होती है। लड्डू सिंह जी, अरेस्ट देम। जनार्दन को धन का लालच नहीं, लेकिन ये गोल्डन स्टैचू तो मुझे चाहिए।
आप लोग तीर कमान नीचे कर दो, इन गन्स के आगे ये कुछ काम के नहीं। ये सब अचानक डांस क्यों करने लगे? हम तो इनका गोल्डन स्टैचू अपने साथ लेकर जा रहे हैं अंकल, क्योंकि इनका कहना है कि जब से ये स्टैचू इनके पास आया है तब से इन पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। अब ये लोग बहुत खुश है कि स्टैचू जाएगा तो ये लोग खुश रह पाएंगे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। अब तो ये भी खुश और हम भी खुश। इस बात पर सब लोग मिलकर डांस करते हुए चलो। क्या किया बच्चे तुमने? हमको उल्लू बनाया। गन छीन लो इस बच्चे से। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। एक बच्चा मेरे सारे प्लान को चौपट नहीं कर सकता। एक बच्चा मेरे बरसों के सपने को नहीं तोड़ सकता। ये तुम क्या गिनती कर रहे हो? तीन बार बच्चा कहा। मैंने तो तीन बार कहा, तुमने कम से कम 30 मार दिए। सॉरी अंकल, गलती हो गई। चलिए फिर से शुरू करते हैं। आप तीन बार बच्चा कहिए और मैं फिर से 3 बार मारूंगा। मेरे पास लाइफ में और काम नहीं है क्या जो इस बच्चे से मार खाता रहूं? लड्डू सिंह जी, लड्डू सिंह जी, हमें जेल ले चलो। शिवा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वखूर जी।